ये भी बताया गया जिनका कोई मतलब नहीं है इस राइड से, जो बेचारे आपको देखना पड़ेगा अग्रसर कौन है, हमलावर कौन है, लेकिन यहाँ इनोसेंट लोगों को भी फंसाया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है पॉलिटिकल बॉसेज को खुश करने के लिए, उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे करने के लिए। तो हम ये मांग करते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा होना चाहिए, क्योंकि एक जिहादी एंगल भी निकल कर आ रहा है, इनको हिंदुस्तान वापस नहीं जाने देंगे, ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, खतरनाक है। इसमें एनआईए को भी एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिहादी एलिमेंट हैं और यहाँ क्रिमिनल्स हैं, एक्टिविटीज हो रही है। दूसरा, ये जो आकर के यहाँ तमाम लोग बसे हुए हैं, ये भी देखा सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जहाँ जा रहे हैं बस रहे हैं सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, और यहाँ पर संख्या माइग्रेंट्स की बढ़ रही है। हमारी तो ये आशंका है कि यह रोहिंग्या बांग्लादेशी ये आ रहे हैं और डेली यहाँ मुर्शिदाबाद को तो तीन चार बसें, चार पांच बसें, और सीजन में तो और भी चलती हैं। तो हमारी ये है, इस सरकार से मांग है इसको रोकें, और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद रिकमेंड करें, और एनआईए तो खैर जरूरत होगी वो खुद ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ की पुलिस से न्याय नहीं है। जहां पर कन्विक्शन 8.3% हो तो ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं हो रही है, और जो कार्रवाई हुई है निष्पक्ष नहीं है, सरासर नहीं है।